देखो माता प्रभावती क्या कर रही है, इतना सारा मक्खन। वो आवाज क्या थी? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे, निकल। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और वो यशोदा का नटखट कृष्णा। ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। उधर मत जाओ, सुनो। पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ नहीं आता अब क्या करें। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊँ, उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है, और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा तुम। कौन है वहाँ? तो तुमने माखन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? रोक कर लो बात, अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूंगा? ओ, चल भाग यहाँ से, चोर कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आले से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। Hmm?
रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं। तो मैं ले आई, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओ प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया। देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। आह बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ, पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते, देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा। माता प्रभावती, मैं कृष्णा हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। ऐसे की जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे काल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता, मैं तुझे पकड़कर अब पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। आघासुर!
नाबालक अघासुर, जाओ और जाकर ढूंढो मेरे उस काल को और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है, जाओ। आपका आदेश मैं अपने विष से पूरा करूंगा महाराज कंद। तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा। वो जहां कहीं भी हो, अपने विष से उसके प्राण हर लो। कैसे जगमगा रही है? मुझे तो लगता है उस गुफा के अंदर अनमोल रत्न होंगे। कृष्णा, चलो घूम के आते हैं। गुफा तक दौड़ हो जाए, चलो आओ। मैं यहाँ रुककर गायों पर नजर रखता हूँ, पर जल्दी लौट आना मित्रों, आज उनको नई जगह चराने ले जाना है। ये नया रास्ता यहाँ कब बन गया? ये पहले तो यहाँ नहीं था, मैं तो यहाँ से कई बार गया हूँ। ये रास्ता बड़ा ही नरम नरम है और बहुत लंबा भी है। देखते हैं ये कितना लंबा है। बड़ी भयानक गुफा है। कुछ तो रहस्य है इसमें। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। घबराओ मत मधु, अंदर चलकर देखे तो सही वहाँ क्या है। आओ चलो चलो। इतनी बड़ी गुफा मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ तो बड़ी दुर्गंध है। छी, मुझे तो इसकी दुर्गंध से अजीब सा डर लग रहा है। चलो वापस चलो। क्या बच्चों की तरह डर रहा है, अब हम बड़े हो गए हैं। छल करके उन्हें अपने जाल में फंसाया है। हाँ?
क्या हो रहा था कृष्णा? तुम सब सुरक्षित तो हो ना? हे प्रभु, ये क्या, ये विशाल दैत्य इन बालकों के पास कैसे आ गया? देखो बाबा, ये दैत्य अघासुर का मृत शरीर है। कृष्णा ने इसका वध किया। कृष्णा, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? इस दानव का वध कृष्णा ने किया? हाँ, कृष्णा ने उसे मारा और हमारे प्राण बचाए। हाँ, कृष्णा बहुत साहसी है। तो मेरे भाई, ये सब किया कैसे तुमने? वो अपने मित्रों को संकट में देखकर मुझे कुछ तो करना ही था ना। तो तुम बस वहाँ गए, चुटकियों में उस दानव को मार डाला, वो भी अकेले? वाह मेरे भाई। ओ कृष्णा, तुमने मेरे चंद्रू और बाकी बाल गोपालों की संकट से रक्षा की है। अब तुम्हें माखन चुरा कर नहीं खाना पड़ेगा। पर माखन तो मैं चुरा कर ही खाऊंगा। परंतु इस बंदर को साथ मत लाना, इसका हिस्सा मैं तुम्हें अलग से दे दूंगी। वैसे जो भी हुआ हो, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर इसी तरह बनी रहे। चलो इस महान संकट से हम सब की रक्षा करने वाले प्रभु के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाए। कृष्ण, तू हमेशा हमें चकित करता है। मुझे समझ में नहीं आता तू ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि तू मेरा नन्हा सा लाल है। ओ मैया, तेरा ये नन्हा सा लाल तुझे बहुत प्रेम करता है। हाँ मेरी कृष्णा, मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है।